अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे किस तरह से बचे हुए फैब्रिक से आप लोग ये डिज़ाइन से बेबी फ्रॉक तैयार कर सकते हैं। ये एक पार्टी वेयर ड्रेस है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये जो मेजरमेंट मैं आप लोगों को बताऊँगी ये बेसिकली है 4 से 5 ईयर्स बेबीज के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कॉटन फैब्रिक को फोल्ड करके लिए है और यहाँ से हम मार्क करेंगे 5 इंच पे, जो हमारा शोल्डर का मेजरमेंट होगा। आर्म होल के लिए भी हम लेंगे 5 इंचेस, लेके यहाँ पे एक कर्व लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। चेस्ट के लिए हम लेंगे यहाँ पे 6 इंचेस, 1 इंच एक्स्ट्रा है स्टिचिंग के लिए, तो टोटल हमारी यहाँ पे है 7 इंचेस। वेस्ट और चेस्ट मेजरमेंट सेम ही रहेगा, 7 इंचेस 7 इंचेस। यहाँ से हम टॉप के लिए ले रहे हैं 9 इंच और यहाँ से हम मार्क करेंगे 3 इंच पे, जो हमारा शोल्डर होगा। और यहाँ पे एक लाइन दे देते हैं इस तरह से 1/2 इंच का। यहाँ पे 3 इंच पे देंगे, 2 इंच पे सॉरी नेक मार्क करेंगे और यहाँ पे एक यू शेप में एक नेक दे देंगे और यहाँ पे एक कर्व लाइन दे देते हैं इस तरह से। देने के बाद हम लोग इसको कट कर लेंगे इस तरह। यहाँ पे हम फ्रंट और बैक पर दोनों को एक साथ कटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों को कटिंग करना है बैक नेक को, जो हमारी 1 इंच का है। जब ये कटिंग हो जाए एक पीस को हम निकाल के साइड पे रख देंगे, जो हमारा बैक पार्ट होगा, और अब जो कटिंग करेंगे ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। तो आर्म होल की यहाँ पे तकरीबन 1/2 इंच का थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर हम यहाँ पर कट कर लेंगे और यहाँ से यू शेप दे देंगे, जो हमारा फ्रंट नेक होगा। तो यहाँ पे हमारी हो गई है 2 पीसेस। तो ये है हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक है कमीज का टुकड़ा, वो हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे राइट साइड को, राइट साइड के ऊपर, और नेक के ऊपर हम इसको पिन से ब्लॉक कर देंगे, जो हमारी स्टिचिंग होगा वहाँ पे। सेम प्रोसेस में हम यहाँ पर भी करेंगे और सेंटर पे एक मार्क कर देंगे, जो हमारा जिपर के लिए होगा। जहाँ पे मैंने दाग दिए हैं दो साइडों पे हमें स्टिच देना है और नेक और शोल्डर को, नेक और आर्म होल को हमें स्टिच देना है। स्कर्ट के लिए हमें लिया है 11 इंच लंबाई और 12 इंच हमें लिए इसका चौड़ाई। दूसरा स्कर्ट जो है, जो ऊपर का स्कर्ट है वो होगा, तो 2 पीसेस हमने लिए हैं यहाँ पे फोल्ड करके। लंबाई हम लेंगे 18 इंच और चौड़ाई हम लेंगे 15 इंच। इसको हम 3 से लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने फोल्ड करके लिए हुए हैं और यहाँ पे हम लोगों को फोल्ड करके स्टिच देना है। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे करके पैलेट्स देकर इसके साथ हमें अटैच करना है। अब मैं आप लोगों को बता रही थी स्टिचिंग का तरीका, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। ये जो लोग नए हो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप ये वीडियो फॉलो करते हो आप लोग इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हो 20 मिनट्स में। मुझे यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट्स लगा है इस ड्रेस को तैयार करने में। आप लोग देख सकते हो मैंने नेक को स्टिच किया है, उसके बाद जिपर का जो पार्ट है वहाँ पे भी हम लोग स्टिच दिए हैं। देने के बाद जहाँ जहाँ पे हमारी राउंड सा शेप आया है वहाँ वहाँ पे हम छोटे छोटे करके कट कर देंगे इस तरह से। और जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है, दो स्टिच के सेंटर पे हम लोगों को वाई जैसे इसको कट देना है। देखिए इसको टर्न करके हम राइट साइड ले आएंगे
और इसको आयरन कर लेंगे। जो लोग बैलेंस के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँ, आप लोग इसको आयरन कर लो तो फिनिशिंग जो है वो आप लोगों का बहुत अच्छा आएगा। अब हम यहाँ पे एक चाप स्टिच दे देते हैं जो हमारी कपड़े को फ्लैट करके रहेगा। एक साइड से स्टिच कर स्टार्ट करके हम दूसरे तक यहाँ पे स्टिच कर देंगे। सेम प्रोसेस में हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको भी हम लोगों को इस तरह से स्टिचिंग देना है। अब हम जिपर के ऊपर इस तरह से रख के पिन से ब्लॉक कर देते हैं। इस वे में अगर आप लोग करते हो आप लोग ईजिली इसको स्टिच कर सकते हो और कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जिपर सेंटर पे रहेगा और अच्छा फिनिशिंग भी आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको चारों तरफ से इसको स्टिच कर लेंगे। दो स्टिच हम देंगे दो साइडों के, तो यहाँ पे हमारी ये स्टिच हो गई है। अब हम लोगों को स्टिच करना है जो आर्म होल है उसको। इसको भी हम सेम प्रोसेस में करेंगे जिस तरह से हमने नेक को स्टिच करके राउंड जो पार्ट है उसको छोटा छोटा कट करके घुमा के राइट तरफ ले आएंगे। उसके बाद हम इसको स्टिचिंग करेंगे। जो हमारी चाप स्टिच है वो जब हम शोल्डर को स्टिचिंग हो जाएगा तब मैं वन बाय वन आप लोगों को बताते जाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा इजीली। तो यहाँ पे हमारी ये शोल्डर स्टिच हो गई है, सॉरी आर्म होल हमारी स्टिच हो गई है। और ये जो एक्स्ट्रा जिपर का पीस है इसको हम फोल्ड करके अंदर की तरफ इस तरह से देख के इसको हैंड से स्टिच कर देंगे। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। हमारा जो स्कर्ट है वो दो बार हमने इसको फोल्ड किए हैं। फोल्ड करने के बाद इसको हम स्टिच करेंगे और जो हमारा स्कर्ट का पैलेट्स है वो भी हम दे देंगे। उसका तरीका भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस तरह से आप लोगों को पैलेट्स देने हैं। मेरी जो मशीन से इसमें ऑप्शंस हैं सो इसलिए मैंने इसको इस तरह से कर रही हूँ, बट मैं आप लोगों को तरीका बता देती हूँ किस तरह से आप लोग कर सकते हो। बिग स्टिच जो होती है नॉर्मली उस स्टिच को आप लोग करो, उसके बाद आप लोगों को एक धागे को खींचते हुए छोटे छोटे पैलेट्स देने हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब हम यहाँ पे जॉइन कर लेंगे और ये जो पार्ट है ये दूसरा वाला पार्ट है स्कर्ट का। तो यहाँ पे मैंने ये लेस लगाया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो लगा सकते हो वरना इसको अवॉइड कर सकते हो। वेस्ट के यहाँ पे हमने स्टिचिंग किए है और एक धागे को इस तरह से हम लोग खींचते हुए छोटे छोटे करके पैलेट्स दे देंगे। ये हमारा जो वेस्ट मेजरमेंट है सेम मेजरमेंट में होना चाहिए। वेस्ट हमारा था तकरीबन 7 inches था टोटल और 1 inch हमने स्टिचिंग किया है तो हमारी हो गई है पे 6 inches। उसके बाद इस दोनों पीसेस को हम लोग एक साथ स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये स्टिच हो गई है। अब हम क्या करेंगे, दो शोल्डर्स को एक साथ स्टिच कर लेंगे। उसके बाद जो बॉडी है वहाँ पे भी हम लोग स्टिच करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे इस ड्रेस पे मैं कोई भी बेल्ट यूज़ नहीं करूँगी, अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे बेल्ट यूज़ कर सकते हो जो नेचुरली बेबी की ड्रेसेस में होती है, तो वो ऑप्शनल है, वो अगर आप लोग चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर्स को स्टिच कर लिए है। और अब हमें इसको बॉडी जो है उसको स्टिच कर लेना है। जब ये हो जाए उसके बाद जो स्कर्ट है उसको हम लोगों को अटैच करना है। राइट तरफ इसको ले आके
हम लोग इस तरह से रखेंगे और जो स्कर्ट है उसको इस तरह से हम लोग पहले रखेंगे और नीचे से हम इस तरह से लेके इसको घुमा लेंगे। तो इस तरह से अगर आप लोग करते हो तो कोई भी गलती नहीं होगी। तो अब हम इसको चारों तरफ से पीसेस को सिक्योर कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप लोग ये वीडियो फॉलो करते हो तो इजीली आप लोग इसको बना सकते हो और बहुत ही कम समय में। यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ वन गज फैब्रिक मुझे लगा, सिर्फ वाइट कलर जो फैब्रिक है वो मुझे लगा, और बचा हुआ जो फैब्रिक्स है वो मेरी कमीज से ड्रेसेस के जो हमने कटिंग किए थे उससे वो निकले हैं। तो यहाँ पे ये हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ्लावर को अटैच करेंगे। ये कोई भी रोज फ्लावर और या फिर ब्रोज जो होती है बाजार में इजीली मिल जाते हैं वो आप लोग लगा सकते हो। यहाँ पे मैं ब्रोज लगाऊंगी। सो ये ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और पास में जो बेल बटन है उसको ज़रूर क्लिक करना तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा। और अगर आप लोगों के कोई भी रिक्वेस्ट होती है हमें कर सकते हो, मैं आप लोगों की वीडियो या फिर जो रिक्वेस्ट है वो रखने की पूरी कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। बाय।